याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटिस में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। उन दिनों कोक नहीं डेमलेट विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को विंगर्स और डेविको रेस्तरा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल में ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावती। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा लेके खाती। लेखिका बताती है उन दिनों घर में टेलीविज़न और रेडियो नहीं हुआ करते थे, ग्रामोफोन हुआ करते थे। हमारे बचपन में कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, जो हम कुल्फी खाते थे आज आइसक्रीम बन गई है, कचौरी समोसा पेटिस में बदल गए हैं, शहतूत और फालसे खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। हमारे ज़माने में जो शरबत हुआ करते थे अब पेप्सी कोका कोला में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं लेमलेट विमटो मिलती थी, उन दिनों कोका कोला वगैरह नहीं मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को विंगर्स और टेबिस को इस तरह की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है। हमारा घर, लेखिका बोलती, हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं था बाजार से, पास में ही था, दौड़ लगाकर हम पहुँच जाते थे और अपना सामान लेकर आ जाते थे।